आज शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे जिसमें मुख्य रूप से आयुक्त महोदय की तरफ से हम लोगों को नगर निगम की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जहां भी ऐसी मीट की शॉप हैं, मछली की दुकानें हैं, जहां पे खुले में वो सेल कर रहे हैं, वहां पे वो कटिंग कर रहे हैं या वो बेच रहे हैं, वो नहीं बेचेंगे और गंदगी भी नहीं करेंगे। जो भी उनके वेस्टेज हैं वो प्रॉपर डस्टबिन में रखें, हमारी जो नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें वो रखेंगे, वो जाके वहाँ पर वहाँ डिस्पोजल होगा प्रॉपर। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के कहीं भी रोड के किनारे मेन मार्केट में जो ठेले लगा के और खुले में जो मीट बेच रहे हैं या मछली बेच रहे हैं या मुर्गी का मीट जो मांस बेच रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनके ठेले जब्त करेंगे और इस तरह का जो कार्रवाई है वो हमारी 31 तारीख तक ये चलेगी निरंतर। और हम शहर में इस तरह की कोई भी दुकान नहीं चलाने देंगे जो अवैध होगी, जो नियम से काम नहीं करेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, कुछ दुकानें बंद भी मिली हैं। आपकी दुकान पे आपने अच्छे से उसको मेंटेन किया, इन्होंने ग्लास भी लगा के रखा है और इनके लाइसेंस भी है इनके पास, तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो हमने चेक की तो लाइसेंस भी था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको रखा भी है शॉप को। एक दुकान ऐसी भी मिली है, काफी गंदगी पाई गई। हाँ, उनको अपन ने आज नोटिस जारी किया है, अगर अगली बार चेक करने पर अगर ये फिर से गंदगी मिलती है तो इन पर बहुत हैवी जुर्माना करेंगे और दुकान भी इनकी बंद कराएंगे। डॉक्टर अनुज शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम ग्वालियर।